नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन में हूँ आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा किया था, लेकिन आज महागठबंधन की ओर से भी 4 सीटों पर प्रत्याशी का घोषणा कर दिया गया है। और आपको हम अभी तस्वीर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय की दिखा रहे हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, भाकपा माले, कम्युनिस्ट और वीआईपी के नेता यहां पर मौजूद हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 उम्मीदवारों को घोषणा कर दिया गया है। एक एक कर हम उन 4 उम्मीदवार आपको बताएंगे कि वो कौन से उम्मीदवार हैं जो महागठबंधन की ओर से इस बार उपचुनाव में नामांकन करेंगे। सबसे पहले हम रामगढ़ की बात करें तो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह के भाई हैं अजीत कुमार सिंह, वो वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और हम आज सुबह ही आपको खबर दिखाए थे जब बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने ऐलान कर दिया था कि कल नामांकन करने जा रहे हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये ऐलान कर दिया कि रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। और अन्य सीटों के आपको हम दिखा रहे हैं, लिस्ट हमारे हाथ में है। इमामगंज से रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह आरजेडी के प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद बने हैं, वो सीट खाली हुआ है, और सुरेंद्र यादव के बेटे हैं विश्वनाथ कुमार सिंह, बेलागंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह, तरारी से राजू यादव उम्मीदवार हैं। राजू यादव 2019 लोकसभा चुनाव में भाकपा माले की ओर से आरा से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब तरारी विधानसभा सीट से उन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है भाकपा माले का। भाकपा माले के जो तरारी से विधायक थे वो आरा से सांसद बन गए हैं सुदामा प्रसाद, अब वो सीट खाली हो गई है, और उस सीट पर राजू यादव वहां से उम्मीदवार होंगे। और सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इन 4 सीटों पर हमने आपको वो दिखाया है कि कौन प्रत्याशी होंगे। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज की बात करें तो इन 4 सीटों पर महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इमामगंज से राजेश मांझी राजद के उम्मीदवार होंगे, बेलागंज से विश्वनाथ आरजेडी के कैंडिडेट हैं, रामगढ़ की बात करें तो अजीत कुमार सिंह, और तरारी से भाकपा माले के उम्मीदवार होंगे राजू यादव। इन 4 सीटों पर राजद ने और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 2 प्रत्याशी रामगढ़ और तरारी से उतार दिए थे। तरारी से विशाल प्रशांत बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वहीं इमामगंज की बात करें तो इमामगंज से चर्चा है कि जीतनराम मांझी के परिवार से ही कोई कैंडिडेट हो सकता है। वहीं बेलागंज से जेडीयू के संभावित उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी। आरजेडी और महागठबंधन ने अपने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतार दी है। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहें इन्फॉर्मेशन के साथ।